Hi everyone, I'm Ayushi Shukla and I welcome to all on Mathematics Inquiry. I hope all are you doing great in your life as well as in your studies. So few days back, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स. सो जो वो क्वेश्चन थे वो पेपर फर्स्ट के थे. सो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है इट्स ऑल अबाउट सेकेंड पेपर. और जो एक चीज़ जो कि मुझे मेंशन करनी थी वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ ये सारे के सारे मैंने आपके प्रीवियस ईयर जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उधर से ले रखे हैं. तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के बाद में आप एक मेरा ये सजेशन है कि आप खुद से एक बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मतलब हम एक किसी सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम दे रहे हैं और इसके बाद ये वाली अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलने वाली है. तो इस वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लीजिए. सो ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन्हीं क्वेश्चंस को हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पे 10 ही क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे डेरिवेटिव बेस्ड ही क्वेश्चन हैं. आई मीन आपको कुछ प्रूविंग करनी है या आपको किसी का कोई मैथमेटिकल आंसर देना है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे. ओके सो ये रहे हमारे क्वेश्चंस, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर वन इज़ कि एक्सप्लेन सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला. सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाना है या उसको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर टू इज़ एक्सप्लेन मेडलंग कॉन्स्टेंट एंड द थर्ड इज़ वॉट इज़ हॉल इफेक्ट. ये हॉल इफेक्ट का बहुत ही लंबा और इसका डायग्राम भी है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा. एंड द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन लेप्टॉन्स मेसॉन्स एंड बैरियंस एंड गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. इनके बीच में आपको डिफरेंस बताने और एग्जांपल्स दे देने हैं. फिफ्थ पे है डिस्कस लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड द हॉल इफेक्ट इज बोथ. सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है प्रूफ दैट मीन लाइफ टाइम ऑफ एन एटम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स डिके कॉन्स्टेंट. जो डिके कॉन्स्टेंट होता है जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है. एंड द सेवन्थ नंबर क्वेश्चन इज डिस्कस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. ये लेस इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगा. एट्थ है शो दैट सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लैटिस प्लेन्स ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ लैटिस कॉन्स्टेंट ए इज डी एच स्केल इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर. ये आपको प्रूफ करके दिखाना है. ये लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आपको देखने को मिल सकता है, आप अपनी अकॉर्डिंग इसको लिखिएगा. अगर ये लॉन्ग में आया तो आप उसकी लेंथ अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा, शॉर्ट में आया तो उसके अकॉर्डिंग अपनी लेंथ डिसाइड कर लीजिएगा. एंड द क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नाइन्थ है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ GM काउंटर. GM इट मीन्स गाइगर म्यूलर काउंटर. एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आपको वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन इसके आपको एक्सप्लेन करने. क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि एक्सप्लेन क्रोनिंग पेनी मॉडल. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें से मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर तो आप मत छोड़िएगा. पहला हॉल इफेक्ट क्वेश्चन वाला जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था, एंड द सेकंड वन इज़ जो न्यू वो पढ़ा था न्यूक्लियर मॉडल वाला वो, एंड फिर ये क्रोनिंग पेनी मॉडल और ये प्रिंसिपल ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गाइगर म्यूलर काउंटर. ये तीन क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसकी क्लियर पिक्चर मैंने आपको बताया है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, उससे देख लीजिएगा. एंड जो एग्ज़ाम में आप जब ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही पिक कीजिएगा, मतलब सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन मत चूज़ किया कीजिए. डायग्राम अगर आता ही नहीं है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको चूज़ करना ही पड़ेगा. बट डायग्राम ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं तो आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही करने के लिए सेलेक्ट कीजिएगा. ओके और बाकी यही रिक्वायरमेंट है, कॉपी आप अपनी फुल फिल करने की पूरी कोशिश कीजिएगा अपने एंड से, और डायग्राम बनाने नीट एंड क्लीन हो सके और बनाने की कोशिश कम कीजिएगा, ज़्यादातर जो फैक्चुअल चीज़ें वहीं लिखिएगा. ओके सो टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे.